हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, दिस इज चैप्टर नंबर 6, द 100 ड्रेसेस। ओके, एंड यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट हाउ वेंडर पेट्रोंस्कीज फादर रोट अ लेटर टू द स्कूल। ओके, और बेसिकली दैट लेटर बिलोंग्स टू द बैड बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर वेंडर पेट्रोंस्की, है ना, कैसे वो उनको टीज कर रहे थे वेंडा पेट्रोंस्की को। ठीक है, इससे रिलेटेड एक लेटर लिखा था वेंडा के डैड ने। अब आगे पढ़ते हैं। और पीपल वर इन सैड मूड एंड थिंग्स वर गोइंग ऑन कि वी शुड रियलाइज इट, देयर टीचर सैड एट द लास्ट, कि हमें सोचना चाहिए इसके बारे में। ठीक, चलिए। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। अब देखो ये आज मैडी क्या कह रही है हमें पता चलेगा। ठीक है, उसके मन में क्या चल रहा है। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स। और पहला जो लेसन था वो स्टडी का था, तो मैडी अपने प्रिपेयर कर रही है लेसन्स, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वो फोकस नहीं कर पा रही है अपने काम पे। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। और ये लाइन है सेम कि वो थोड़ा सा स्टमक में, बॉटम ऑफ द स्टमक, थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रही, थोड़ा सा बीमार महसूस कर रही है, उसे लग रहा है कुछ हो रहा है, मतलब वो चीज इज बेसिकली थिंकिंग टू मच। ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पेगीज आस्क वेंडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोसेट, बट शी हैड सैड नथिंग। ठीक, और ये सच था कि उसने कभी इस चीज़ को एंजॉय नहीं किया कि पैगी बार बार वेंडा से पूछती थी कि हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोसेट, कि इतने उसके अलमीरा में कितने ड्रेसेस हैं, बट शी हैड सैड नथिंग, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा, है ना। देखो यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जो बुराई कर रहा है वो तो बुरा है ही, लेकिन जो बुराई को देख रहा है वो भी उतना ही पाप का भागीदार है ना, वो भी उसकी भी उतनी ही गलती है। क्योंकि अगर आपकी जो चीज़ गलत हो रही है उसके अगेंस्ट आप बोल नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सपोर्ट में हैं, है ना, उसको बढ़ावा मिल रहा है उस चीज़ को। ठीक है, तो वैसे ही उसको भी लग रहा है कि यार उसने कुछ बोला नहीं, है ना, चाहे उसे वो चीज़ पसंद नहीं थी, है ना। चलिए, सी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो वहाँ पे बस उसके बगल में चुपचाप खड़ी रहती थी, एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वट पैगी हैड डन, और ये उतना ही गलत था जितना कि पैगी ये उसका मजाक उड़ाते वक्त कर रही थी वॉर्स, है ना, और वॉर्स बैड का कंपैरिजन डिग्री कह लो इसको, है ना, तो मतलब ये उससे भी बदतर था। ठीक है, कि वो आराम से सुन रही है, भाई एक आदमी की बेइज्जती हो रही है, अगला आदमी आराम से देख रहा है। शी वॉज अ कावर्ड, और वो आगे लाइन कह रही कि वो एक कायर थी। एट लीस्ट पैगी हैडंट कंसीडर्ड दे वर बीइंग मीन आउट शी, है ना, और कम से कम ये तो था कि देखो यहाँ पे लाइन क्या कह रही है कि जो पैगी थी कम से कम वो ये तो सोच रही थी कि वो कुछ गलत नहीं कर रही है ना, लेकिन जो मैडी है इसके मन में तो आया भी कि ये गलत कर रहे हैं हम लोग, फिर भी उसने उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोला। ठीक, मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, अब मैडी ये सोच रही कि वो गलत कर रहे थे। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वेंडाज शूज, वेंडाज शूज मतलब जहाँ पे वो स्टैंड कर रही है, मतलब उसके प्लेस पे। ठीक, तो क्या था कि उसको सोचना चाहिए था अपने को वेंडा की जगह पे रख के, है ना, ऐसा सेंस ले लेते हैं कि उसको अपने को वेंडा की जगह पे रख के सोचना चाहिए था कि उसको कितना बुरा लग रहा है। ठीक, गुडनेस, वॉज़न देयर एनी थिंग शी कुड डू, अब वो वेरी कि यार हे भगवान कुछ ऐसा नहीं है कि जो वो कर सकती। इफ ओनली शी कुड टेल वेंडा शी हैडन मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स, और काश, है ना, इफ ओनली वट एवर जो भी सेंस लगा लेते हैं, काश ऐसा हो सकता कि वो बता पाती वेंडा को कि वो उसकी फीलिंग हर्ट नहीं करना चाहती थी। शी टर्नड अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस, एट अ ग्लांस होता है एक झलक, ना, मतलब अ ग्लांस एक झलक, उसने एक झलक पैगी को देखा चोरी छुपके, बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी ने नहीं देखा उसको। शी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड, और वो ऐसे लग रहा था कि वो अपनी पढ़ाई कर रही है बिल्कुल फोकस। वेल वेदर पैगी फेल्ड बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग, अब उसने यह हो गया कि वो पैगी को चाहे बुरा लगे नहीं लगे, लेकिन वो जो मैडी है वो ज़रूर कुछ करेगी इस चीज़ के लिए कि उसका मन हल्का हो जाए कि हमने एक लड़की की बेइज्जती करी और उसको बुरा महसूस हुआ। शी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रोंस्की, और उसने डिसाइड कर लिया कि वो ढूंढेगी वेंडा पेट्रोंस्की को। ठीक है, मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, और क्या पता वो अभी वहाँ से नहीं गए हों बड़े शहर को, जिसका जैसा कि डैडी लेटर में कह रहे थे वेंडा पेट्रोंस्की के, तो क्या पता वो नहीं गए हों शहर से। मे बी
पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विथ हर, और वो ये भी सोच रही कि क्या पता पैगी जो है उसके साथ आए, बोगिन हाइट्स में रहती है वो, तो थोड़ा ऊपर चढ़ाई करके जाना पड़ेगा और जगह होगी वहाँ पे, तो क्या पता पैगी भी आए उसके संग, है ना, क्लाइम करे चढ़े उस जगह पे। एंड दे वुड टेल वेंडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, और वो ये चाह रही है कि वो वेंडा खुद बताए। देखना यहाँ पे एक लिटरेरी फीलिंग छिपी है, मैं क्लियर करूँगा। तो वेंडा कह रही है कि शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, ये मैं बताऊँ यार उसको कि तू जो है कॉन्टेस्ट जीत गई है। दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट, और ये भी कि वो सोचते हैं कि वो बहुत स्मार्ट लड़की है। एंड द 100 ड्रेसेज वर ब्यूटीफुल, और जो उसकी वो 100 ड्रेसेज हैं वो बहुत खूबसूरत है। देखो यहाँ पे एक लिटरेरी टच आ रहा है कि इफ़ यू वॉन्ट टू से समवन सॉरी, अगर आप किसी को ये बताना चाहते हो कि यार मुझे माफ़ कर दे या हमसे गलती हो गई, तो इसका एक तरीका नहीं होता है कि हम उसको सॉरी ही बोलें। हम कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि उसके दिल में हमारे लिए थोड़ी जगह होना शुरू हो जाता है, या वो हमको माफ़ी करना शुरू हो जाता है। हम अपने बिहेव से, अपने व्यवहार से किसी को दिखाएं कि हाँ यार अब मैं ऐसा नहीं करूँगा और अब मैं बदल गया हूँ। तो इसलिए वो भी क्या करना चाह रही है मैडी, वो सॉरी नहीं कहना चाह रही है, वो बस ये कहना चाह रही है कि मैं उसके घर जाऊँ, उसको बताऊँ कि यार यू आर वेरी स्मार्ट गर्ल और यू वॉन द कॉन्टेस्ट, यू वॉन द कॉन्टेस्ट एंड यूर ऑल द 100 ड्रेसेज वर वेरी ब्यूटिफुल, तुम्हारी जो सारी ड्रेसेस थी वो बहुत खूबसूरत थी, ऐसा वो बताना चाहती है ताकि उसको लगे कि हाँ अब इनका मन साफ हो गया, अब ये मेरे साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक थोड़ा सा फीलिंग समझनी पड़ेगी कि ये वर्डिंग क्यों आ रही है मैडी की, ठीक। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, अब क्या था कि पैगी के मन में भी यही ख्याल था। मैडी ग्लोट और मैडी बहुत खुश हो गई, पैग वॉज रियली ऑल राइट, ठीक है, और पैग जो थी वो सच में सही थी, है ना, कि मतलब हमें ऐसा करना चाहिए, उसके मन में भी ये चल रहा था। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टूवर्ड्स बोगिंग हाइट्स, अब वो जल्दी से निकले वहाँ से और जल्दी से स्ट्रीट टूवर्ड्स बोगिंग हाइट्स की ओर चलना शुरू कर दिया उन्होंने। द पार्ट ऑफ टाउन दैट वॉर सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून ड्रिजली डैम्प एंड डिसमल, ठीक। अब क्या था कि वो जरा थोड़ा सा रिच पीपल में आ जाते हैं और एरिया उनका अच्छा था जहाँ वो रहते थे, तो ये लिखा हुआ लाइन कह रही है कि सॉरी वो चले गए बोगिन हाइट्स की ओर को, और वो ऐसा हिस्सा था उस टाउन का कि वो सच अ फॉरबिडिंग एयर, बहुत ही हेटरेट वाल में जिससे थोड़ी नफरत आ जाए, ऐसी हवाएं थी वहाँ की, अच्छा माहौल नहीं होगा, ठीक है। और काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून, और जो कि नवंबर आफ्टरनून चल रहा था, आफ्टरनून के टाइम पर जा रहे होंगे, ड्रिजली थोड़ा सा बूंदाबांदी हल्की हल्की बारिश हो रही होगी, डैम्प थोड़ा सा गीलापन था उधर रास्ते में, है ना, कच्चा सा रास्ता है वहाँ पे, अब जो हम पहले पढ़ चुके हैं ज़्यादा डेवलप नहीं है प्लेस, ठीक है। और डिसमल मतलब ग्लूम, उदासी भरा, बहुत ही उदासी भरा, हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं और गीलापन सा है वहाँ पे, ऐसे में वो जा रहे हैं ऐसे एरिया की जिनको उनको आदत नहीं है, फिर भी वो उनको बुरा लगा है कि हमने एक बच्ची की फीलिंग हर्ट करी है, फिर भी वो जा रहे हैं, ऐसा लाइन्स को हमें समझना चाहिए। वेल एटलीस्ट, अब देखो पैगी यहाँ पे कुछ कह रही है, वेल एटलीस्ट सेड पैगी रफली, ठीक है, रफली जो आर ओ यू जी एच भी कह लो आप, है ना, कि बहुत ही रूखे पे हुए मतलब विदाउट एनी फीलिंग वो कह रही है पैगी। वेल एटलीस्ट आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम, कि वो कह रही है यार कम से कम मैंने उसको कभी फॉरनर तो नहीं कहा, है ना, और ये तो नहीं उसके नेम की मजाक तो नहीं उड़ाई, मतलब जैसे लेटर में लिखा था, आई नेवर थॉट दैट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे, और क्या यार मुझे तो कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि हम उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, उसको ये पता भी चल रहा है। बात समझ रहे हैं ये लाइन क्या कह रही है, कि जो पैगी के मन में ये था कि हम तो इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, और वो कह रही है 100 ड्रेसेस, और वो कह रहे हैं अरे अच्छा अच्छा अच्छा, और शूज़ कितने और ये कितने वो कितने, और वो जब चली गई उसके बाद वो लोग हंसते थे उसकी मजाक उड़ाते थे, तो पैगी सोच रही है कि इसको नहीं रियलाइज़ हो रहा है कि हम इसकी मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो पीठ पीछे हंसते थे उसके, मुँह के सामने तो बहुत कहते थे अरे हाँ यार तेरे पे तो 100 ड्रेसेस है, ठीक। तो आई थॉट शी वॉज टू डम्ब, और पैगी कह रही है कि यार मुझे तो लगा वो बहुत ही मूर्ख लड़की है, उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि हम उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। एंड शी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, लेकिन कह रही है और वो सॉरी एंड एस डबल ई वाला है, वो बोली कि और देखो कितनी अच्छा ड्राइंग बनाई है, कितना अच्छा ड्रॉ कर ये करा है उसने, है ना, मतलब कितने अच्छे स्केचेस और कितनी बढ़िया ड्रेसेस बनाई हैं उसने ये, तो सोच रही कि मैं तो उसे मूर्ख समझती थी लेकिन वो तो बहुत अच्छी ड्राइंग करती है, वो तो एक स्मार्ट लड़की है। मैडी कुड नॉट से एनीथिंग, मैगी कुड से नथिंग, बात एक ही है कि सी कुड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं बोला। ऑल सी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वेंडा, और वो बस जो भी होप कर रहे हैं दोनों
कि वो वेंडा को ढूंढ सके। ठीक है, ये बात चल रही है। अब आगे क्या हुआ, व्हाट दे आर टॉकिंग टू ईच अदर और व्हाट हैपेंड दे मेट वेंडा और नॉट, वी विल रीड टुमारो, है ना। वीडियो इज़ बिकमिंग लेंथी। ठीक है, थैंक यू।